दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म गुड्डी के लिए पहले जया के साथ अमिताभ बच्चन को पोस्ट किया था। बाद में अमिताभ बच्चन को इस फिल्म से निकाल दिया गया था। फिल्म इंडस्ट्रीज में जानकर मानते हैं कि अमिताभ के लिए जय के मन में एक तरह का प्रेम और सहानुभूति इसी घटना के बाद हुई थी। दोनों ने जान पहचान भी इसी फिल्म से हुई थी। साल 1973 में अमिताभ बच्चन और जया साथ साथ अभिमान फिल्म में नजर आए थे। इसी फिल्म के दौरान दोनों ने शादी का भी फैसला कर लिया था। अमिताभ इस फिल्म के बाद जया के साथ छुट्टी मनाने के लिए विदेश भी गए थे, लेकिन हरीश राय बच्चन के साफ कह दिया था कि अगर वो जय के साथ छुट्टी बिताने जाते हैं तो वह पहले उनसे शादी करनी होगी। एक बेहद सादे समारोह में 3 जून 1973 को अमिताभ और जय के बंधन में बंध गए थे। अमिताभ बच्चन की शादी का कार्ड बेहद ही साधारण था, जिसे हरीश राय बच्चन ने अपने रिश्तेदारों के पास भेजा था। कार्ड हिंदी में लिखा गया था कि हमारे सुपुत्र अमिताभ और श्रीमृति श्री त्रंश कुमार दानुटी की सुपुत्री जय का शुभ विवाह 3 जून को मुंबई में संपन्न हुआ। आपका आशीर्वाद की कामना करते हैं।